कुमार जी देखिए ये अब यहाँ पर शासन चलाना प्रायः छोड़ चुके हैं, उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं, वो बातें भूल जाते हैं, कुछ कहने का कुछ उसके देते हैं जैसे ऐसे नहीं हुआ। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के लगातार बीजेपी के नेता ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहना चाहिए। देखिए केंद्रीय मंत्री आर के सिंह पटना पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत बहुत खराब है, भूल जाते हैं बातों को, उन्हें तो मुख्यमंत्री के पद पर भी नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले आप आर के सिंह को सुनिए। उसमें अलग अलग प्रांत के नेता हैं, कोई राष्ट्रीय नेता है और सभी की महत्वाकांक्षा है, तो इंडिया का गठबंधन वैसा ही है। सर, केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दे दिया है कि जब इंडिया गठबंधन में यह तय हुआ ही नहीं था कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो फिर ममता बनर्जी ने आनंद फानंद में क्यों कर दिया, कहीं ना कहीं नीतीश जी को हाथ पहुँचाने के लिए किया गया। ये अलग अलग लोगों के अलग अलग महत्वाकांक्षा है और ममता बनर्जी तो खैर ये नहीं चाहती होंगी कि हाँ कोई और नेता बन जाए, तो उसमें डिफरेंसेस होंगे, इंडिया गठबंधन में डिफरेंसेस होंगे। उनके पास वैसे भी कोई नेता है ही नहीं, मुझे लगता है कि कोई ऐसा नेता है जो कि राष्ट्रीय नेता का पद का हो, चाहे भाई हरदेव जी हों, चाहे ममता बनर्जी हो, ममता बनर्जी बंगाल में नेता हो सकती है, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में कहीं उनका कोई रूप नहीं है, साउथ में तो छोड़ी दीजिए, इसी तरह से विभिन्न जो नेता का उनका कहीं कोई वजूद नहीं। खड़गे जी का यहाँ कोई वजूद है क्या, या उत्तर प्रदेश में कहीं वजूद है क्या, राष्ट्र में और कहाँ वजूद है, साथ कर्नाटक में भले वजूद नहीं है, तो ये खड़गे जी कहाँ से राष्ट्रीय नेता हो जाए, उनके पास राष्ट्रीय नेता ही नहीं। राहुल गांधी वैसे ही रिजाइन कर गए कि हाँ साहब तो राष्ट्रीय नेता नहीं, वैसे ही है। सर, बिहार में अपराध बढ़ रहा है बहुत तेजी से। नीतीश कुमार जी देखिए ये अब यहाँ पर शासन चलाना प्रायः छोड़ चुके हैं, ये अब ये प्रशासन पर ध्यान देते ही नहीं है, अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, चरम सीमा ये। और नीतीश जी का हमको लगता है कि बहुत लोगों से हमको खड़ लगी, उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं, वो बातें भूल जाते हैं, कुछ कहने का कुछ उसके देते हैं जैसे ऐसे नहीं हुआ, तो जदयू को भी सोचना हमको लगता है तो अब इस लायक नहीं है कि मुख्यमंत्री बने रहे, वो समझ कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का बयान नहीं दे सकता क्योंकि असेंबली में। सर, सीट शेयरिंग का मुद्दा भी ये हो सकता है, आप इसमें किस तरह की सीट शेयरिंग हो जाएगी, लग रहा है कि कुछ यही मामला फंसेगा, श्री जी को बहुत कम सीट पर संतोष करना होगा, वो यही लग रहा है। नीतीश जी बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब ये उसकी गलती है, और ये पहली गलती नहीं थी, उसको तीन बार चार बार ये अपना दल बदल कर गलती अगर सुधारते हैं फिर। तो आपने सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत बीमार हैं, भूल जाते हैं बातों को, कही हुई बातों को भी भूल जाया करते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहना चाहिए, तमाम बातें आर के सिंह कह रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।